Now, today I am going to read the excretory system of human being. Already previous class we have read about the kidney. Today we will read about the functional unit of kidney, that is nephron. What is nephron? It is the unit of kidney. It is the unit of kidney. So nephron. This is the structure of nephron. इतना अच्छा तो डायग्राम नहीं होता, जितना जरूरत है उतना तो बना लिया है। तो अभी इसका सामने है अंगूर, इसको खाएगा जो अंगूर। ये अंगूर जैसा सब्सटेंस क्या है? ग्लोमेरुलस। इसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या क्या ये फिल्ट्रेट करता है बच्चा? जो हमारे लिए जरूरत है इसे भी फिल्टर करता है, जो जरूरत नहीं है इसे भी ये फिल्टर करता है। फिर वो ब्लड को आगे पुश करता है, फिर वो ब्लड को आगे पुश कर देता है। इस सेक्शन को हम क्या बाउल कैप्सूल बामन कैप्सूल। बामन कैप्सूल क्या फंक्शन होता है बच्चा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेंटेड मैटर। रीअब्जॉर्प्शन मींस जो विटामिन मिनरल्स को ये फिल्ट्रेट कर दिया है ग्लोमेरुलस, उसे रीअब्जॉर्ब करता है और ब्लड में वो एजेंट आता है। कौन लाता है? बामन कैप्सूल। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफर करता है, किधर होता है? बाउमेन कैप्सूल में। इसका बच्चा बाउमेन कैप्सूल का, बाउमेन कैप्सूल का और क्या काम है? बाउमेन कैप्सूल सेपरेट्स यूरिया। क्या करता है बच्चा? सेपरेट्स यूरिया। और यूरिया को कैसे फॉर्म होता है? लीवर फॉर्म करता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया ब्लड में आता है। यूरिया बॉडी में रहने से बहुत प्रॉब्लम होगा, ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी का बैलेंस को डिस्ट्रॉय करता है और यूरिया रहने से बॉडी में बहुत सारे दिक्कत होता है। इसीलिए यूरिया को फिल्ट्रेट कौन करता है? सेपरेशन बाउमेन कैप्सूल सेपरेट्स यूरिया। नेक्स्ट डायलिसिस। यू नो व्हाट मेथड डायलिसिस? डायलिसिस ऑफ़ इन बाउमेन कैप्सूल। क्वेश्चन आता है बच्चा सीबीएसई में, ऐसा क्वेश्चन आया है। बाउमेन कैप्सूल क्या करता है? डायलिसिस करता है बच्चा, डायलिसिस। ये तो आपका गया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का दोनों पार्ट्स। अभी हम चलते हैं बच्चा, कौन सा एरिया को हम बोलते हैं नेफ्रॉन? यही इस एरिया को, इस पर पेंट एरिया को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देखो ये जो ट्यूब सेट में है इस एरिया को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जो आपका यूरिनेशन होता है वो लिक्विड, वो फॉर्मेशन कहाँ होता है? नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेफ्रॉन, द यूनिट ऑफ किडनी।